हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा जो राजस्थान इतिहास चल रहा था उसका पार्ट टू है। पार्ट टू में आज हम देखेंगे हमारे जो कल लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से, तो मेवाड़ इतिहास चल रहा था, मेवाड़ का गोहिल वंश। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप जो पार्ट वन है वो भी जरूर देख लीजिएगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, हमने देख लिया था कल तक अल्लट के बाद रण सिंह के शासनकाल में जो मेवाड़ का गोहिल वंश था वो दो भागों में बढ़ गया था, यानी कि उसकी दो शाखाओं में वो विभाजित हो गया था। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो देखिए, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि जो मेवाड़ का गोहिल वंश था वो किस शासक के काल में दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, तो वो है रण सिंह के शासनकाल में। रणसिंह का शासनकाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रणसिंह के शासनकाल में मेवाड़ का जो गोहिल वंश है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। पहली शाखा थी रावल शाखा। जो रावल शाखा थी उसके जो शासक थे उन्होंने चित्तौड़ के अंतर्गत चित्तौड़ राज्य में अपना शासन स्थापित किया था, और इस शाखा का जो प्रमुख था वो रणसिंह के दो पुत्र थे। देखिए, रणसिंह के दो पुत्र थे शेमसिंह और राहब। जो शेमसिंह था उसने रावल शाखा में, रावल शाखा का शासक था शेमसिंह, और राणा शाखा जो था उसका शासक था राहब। शेमसिंह के द्वारा जो रावल शाखा थी वो चित्तौड़ के अंतर्गत उसने अपनी शासन शाखा स्थापित की थी, और राहब के द्वारा राणा शाखा का स्थापित की जिसके उसने शिशोदा ग्राम के अंतर्गत अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो राहब के द्वारा जो एक क्वेश्चन जो बनता है वो है कि शिशोदा ग्राम की स्थापना किसने की थी, तो राहब के द्वारा की गई थी। राहब ने अपनी राणा शाखा का जो साम्राज्य था वो शिशोदा ग्राम में वो लेके चला गया था, शिशोदा में ही उसने राणा शाखा का प्रतिपादन किया। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि रण सिंह का शासनकाल महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गोहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, एक रावल शाखा का शासक था शेम सिंह और राणा शाखा का राहब था। देखिए, उसके बाद जो रणसिंह का पुत्र शेम सिंह था उसके भी दो पुत्र थे सामन सिंह और कुमार सिंह। सामन सिंह भी एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है क्योंकि सामन सिंह के द्वारा जो मेवाड़ का गोहिल वंश है उसकी स्थापना उसने वो कहाँ लेके चला गया, उसे वांगण प्रदेश में लेके चला गया। तो वांगण प्रदेश में गोहिल वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था वो था सामन सिंह, इसलिए ये सामन सिंह भी बहुत इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है। देखिए, जो गोहिल वंश है वो कहीं 24 शाखाओं में विभाजित है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो उसका एक महत्वपूर्ण शाखा कहाँ पर है, वांगड़ प्रदेश में, जो वर्तमान में डूंगरपुर प्रदेश जो आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वो वांगड़ कहलाता है। सो डूंगरपुर में जो गोहिल वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो था सामन सिंह। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ से तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आगे। इसमें देखते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक जो था गोहिल वंश का वो था रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह का काल 1213 से 1253 तक माना जाता है। रावल जैत्र सिंह का जो काल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, वह युद्ध था भभूता का युद्ध। यह युद्ध नागदा नामक स्थान पर हुआ था, और यह युद्ध जो हुआ था रावल शाखा के जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जो नागदा प्रदेश था उसमें भारी क्षति हो गई थी, इसलिए जैत्र सिंह ने क्या किया फ्रेंड, जैत्र सिंह ने जो अपनी राजधानी नागदा, जो इनकी राजधानी थी गोहिलों की, उस गोहिल नागदा में क्षति होने के कारण उसने अपनी राजधानी जो थी वो परिवर्तित कर चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया था। देखिए, राजस्थान राजधानी जो है उससे रिलेटेड तीन फैक्टर हमने अब तक देख लिए हैं। पहली मेवाड़, पहली जो राजधानी देखी थी गोहिलों की वो थी नागदा, जिसे राजधानी किसने बनाया था, गोहिल वंश के शासक गोहदित्य ने। उसके बाद हमने देखा था कि जो नेक्स्ट बप्पा रावल था, बप्पा रावल ने भी अपनी एक राजधानी बनाई थी, और जो उसकी समाधि थी वो भी नागदा में है। उसके बाद चित्तौड़ के अंतर्गत दूसरी राजधानी बनाई गई थी वो थी जैत्र सिंह के द्वारा। तो हमने राजधानी से तीन फैक्ट पढ़े थे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पहली जो नागदा को राजधानी बनाया गया था वो गोहिलों को, सॉरी, गोहिल वंश का शासक गोहदित्य के द्वारा हूणों को पराजित कर बनाई गई थी। और दोबारा जब नागदा की नागदा में क्षति होने के कारण जो दूसरी राजधानी बनाई गई वो क्या बनाई गई, चित्तौड़गढ़ बनाई गई, क्योंकि नागदा में क्षति हो गई थी।
सो फ्रेंड्स, ये दो फैक्ट ध्यान रखिएगा। ये जेतु सिंह से महत्वपूर्ण जो फैक्ट आता है वो एक यही आता है कि भभूता का युद्ध जेतु सिंह के शासनकाल में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ? जेतु सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था नागदा में। नेक्स्ट, मेवाड़ इतिहास का जो महत्वपूर्ण शासक है वो है तेज सिंह। तेज सिंह का शासनकाल होता है 1252 से 1257 तक। सॉरी फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, 1253 से। जेत सिंह का ही पुत्र था तेज सिंह, और तेज सिंह का शासनकाल इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस समय मेवाड़ का एक प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ माना जाता है, शावर प्रतिस्क्रमण सूत्र चूर्णी, उसकी स्थापना तेज सिंह के शासनकाल में हुई थी। ये 1260 ईस्वी में ये जो ग्रंथ है ये चित्रित किया गया था, और मेवाड़ का ये प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। जब मेवाड़ चित्रकला शैली आप लोग पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। शावत प्रतिस्क्रमण सूत्र चूर्णी किस शासक के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी या ये चित्रित किया गया था? तो वो था तेज सिंह। इसलिए तेज सिंह का जो शासनकाल है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। जेत सिंह का शासनकाल महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उस समय भभूता का युद्ध हुआ था। तेज सिंह के शासनकाल के समय मेवाड़ में जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। सो ये था तेज सिंह। अब जो दूसरा नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण शासक होता है वो था रावल रतन सिंह। आप सभी उसके बारे में उससे परिचित भी होंगे, तो चलिए देखते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड, जो ये भभूता का युद्ध हुआ था इस युद्ध की जानकारी हमीद मर मर्दान जो जय सिंह की रचना है उससे मिलती है कि ये भभूता का युद्ध नागदा में हुआ था। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो आपको ध्यान रखना है। हमीद मरमर्दान किसकी रचना है, क्योंकि आपके साहित्य भी आता है उससे क्या आती है, तो हमीद मर्द मर्दान जो है जय सिंह के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ में भभूता युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। देखिए, रावल रतन सिंह जो शासक था मेवाड़ का, सबसे ये रावल शाखा का एक तो अंतिम शासक था, और सबसे कम समय तक समय जो इसने शासन किया था 1301 से 1303 ईस्वी तक ही इसने शासन किया था, और ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह का काल बहुत महत्वपूर्ण काल है मेवाड़ के इतिहास में, क्योंकि रतन सिंह एक ऐसा शासक था जिसके समय चित्रोड़ के अंतर्गत पहला शाखा हुआ था। 1303 ईस्वी में ये शासक शाखा हुआ था। शाखा क्या होता है और केसरिया क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, शाखा और केसरिया दो एक महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। शाखा होता है फ्रेंड्स जब कभी दो पक्षों में युद्ध हो जाता है, इनके राजपूत शासकों के मध्य जब युद्ध किसी से युद्ध होता है, उस युद्ध के समय अगर जो राजा होता है या जो महत्वपूर्ण शासक होता है राजपूत योद्धा अगर मर जाता है, तो जो राजपूत की जो राजपूत शासकों की जो पत्नियां होती हैं वो क्या करती है, वो आग में कूदकर जौहर कर लेती हैं, तो वो कहलाता है शाका। और राजपूत शासक जब युद्ध करने जाते हैं तो वो केसर या पगड़ी पहनकर या केसर या पगड़ी पहनकर जो युद्ध करते हैं, तो वो सभी शासक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, तो उसे कहा जाता है केसरिया। तो शाखा और केसरिया दो फैक्ट आते हैं। तो इससे पहले लास्ट ईयर आरपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, सो आपको ये पता होना चाहिए कि शाखा और केसरिया क्या है। तो देखिए, मैंने इन दोनों चीजों को क्लियर कर दिया कि दो पक्षों के मध्य जब युद्ध होता है तो शाखा और केसरिया होता है। राजपूत योद्धाओं के समय ये प्रचलित था काफी समय तक, और चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था वो था 1303 ईस्वी में, जबकि राजस्थान का प्रथम जो शाखा हुआ था वो था रणथंबोर में हुआ था 1301 ईस्वी में। तो देखिए, जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में, यह शाखा रावल रतन सिंह के मध्य समय हुआ था। क्यों हुआ था? तो देखिए, रावल रतन सिंह की एक जो पत्नी थी वो थी पद्मावती। सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की ये पुत्री थी पद्मावती, इससे रावल रतन सिंह का विवाह हुआ था। और रावल रतन सिंह का जो विवाह पद्मावती के हुआ था, उस समय रावल रतन सिंह का एक दरबार में एक रहता था एक तांत्रिक राघव चैतन। राघव चैतन क्या था कि रतन सिंह के द्वारा राघव चैतन को दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। तो रावल जो राघव चैतन था ये बहुत ज्यादा कुंठित था, और ये
दरबार छोड़कर यानी कि मेवाड़ छोड़कर यह चला गया था अलाउद्दीन के पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास में ये चला गया था। और अलाउद्दीन खिलजी से इसने जो पद्मावती थी, रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी, इसकी सुंदरता, ये बहुत सुंदर थी फ्रेंड, तो इसकी सुंदरता का बखान किया था अलाउद्दीन खिलजी के सामने राघव चेतन के द्वारा, ऐसा माना जाता है। तो राघव अलाउद्दीन खिलजी इस पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य प्रथम युद्ध हुआ था, चित्तौड़ का आक्रमण हुआ था, वो हुआ था 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। ये चित्तौड़गढ़ का ये जो युद्ध हुआ था रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, तो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है और रावल रतन सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। इसलिए जो पद्मावती थी उसकी, जो रावल रतन सिंह की पत्नी, उसके द्वारा जौहर कर लिया जाता है, इसलिए मेवाड़ चित्तौड़ का पहला शाखा या मेवाड़ का पहला शाखा भी माना जाता है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती तथा 376 वीरांगनाओं के द्वारा जौहर किया जाता है। ये वीरांगनाएं अग्नि के अंतर्गत कूद कर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसे कहा जाता है जौहर। और शाखा और जो जौहर और केसरिया जो दोनों होता है उसे कहा जाता है शाखा। तो ये ध्यान रखिएगा, शाखा जौहर और केसरिया तीन फैक्ट आते हैं। शाखा जौहर और केसरिया जब दोनों साथ होता है तो उसे शाखा कहा जाता है। जौहर वो होता है जिसमें महिलाएं यानी कि राजपूत शासकों की पत्नियां अपना किसी आग में या जल में उसमें कूद कर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, जब उनके जो पति हैं यानी कि राजपूत योद्धा हैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद। सो ये फैक्ट ध्यान रखने योग्य है कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा रावल रतन सिंह के समय हुआ था। रावल रतन सिंह चित्तौड़ का सबसे कम शासन करने वाला शासक था और रावल शाखा का ये अंतिम शासक था। जब ये युद्ध हुआ था 28 जनवरी 1303 ईस्वी को, ये मेवाड़ का प्रथम जौहर था। इस युद्ध में न केवल रावल रतन सिंह बल्कि उसके पद्मावती के जो चाचा भतीजे थे गोरा बादल, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो रावल रतन सिंह और गोरा बादल इस युद्ध में मारे गए थे। ये युद्ध जब हुआ था, इस युद्ध का जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, वह भी इस युद्ध के समय युद्ध में उपस्थित था। अमीर खुसरो को कई नामों से जाना जाता है, उसे हिंद का तोता भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो की एक रचना है तारीख-ए-अलाई। इस युद्ध ये जो ग्रंथ है तारीख-ए-अलाई, इस ग्रंथ में जो अमीर खुसरो है उसने इस युद्ध का वर्णन किया है, यानी कि जो चित्तौड़ का प्रथम जो युद्ध था, जो प्रथम शाखा जो हुआ था, उस युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो अमीर खुसरो के तारीख-ए-अलाई ग्रंथ में मिलता है। और ये युद्ध जो हुआ था इसमें केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ, इसलिए ये पहला शाखा था चित्तौड़गढ़ का। और दूसरा जो इस युद्ध का वर्णन मिलता है, तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी पद्मावत ग्रंथ, इस ग्रंथ के अंतर्गत भी इस युद्ध का वर्णन किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी जो था शेरशाह सूरी के जो दरबारी कवि था, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती ग्रंथ की इसने रचना की थी और इस युद्ध का वर्णन उसमें मिलता है। तो चित्तौड़गढ़ के युद्ध का जो वर्णन है वो मिलता है पद्मावत ग्रंथ में और तारीख है अलाइक में मिलता है। और जब रावल रतन सिंह जब इस युद्ध में मारा गया था, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था और उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को उसने अपने पुत्र खिलजी खां को सौंप दिया था। तो खिलजी खां किसका पुत्र था? अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी खान के द्वारा इस युद्ध जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उस पर अधिकार करने के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक नाम मिलता है, उसने खिलजी खां के नाम पर इसका नाम खिरजाबाद कर दिया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का उपनाम क्या हो गया? खिरजाबाद। क्यों रखा? क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिलजी खां के नाम पर इसका नाम खिरजाबाद किया गया था। सो ये था रावल रतन सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण काल, जिसके अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और इनसे क्वेश्चन भी बनकर आते हैं। सो देखिए इसमें हमने कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी थी। एक तो चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा था वो इसी रावल रतन सिंह के समय हुआ था। पहला जौहर पद्मावती के द्वारा किया गया था चित्तौड़ में, मेवाड़ में या चित्तौड़ में, अगर दोनों ही फैक्ट आते हैं तो आपको ध्यान रखना है मेवाड़ का भी यही और चित्तौड़ का भी यही, क्योंकि मेवाड़ का ही हिस्सा चित्तौड़गढ़ था।
इस युद्ध का वर्णन तारीखे अलाई में और पद्मावत ग्रंथ के अंदर मिलता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तित कर दिया गया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। सो ये सारे फैक्ट थे रतन सिंह के से संबंधित। रावल रतन सिंह चित्तौड़ का रावल शाखा का अंतिम शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट है रावल रतन सिंह का काल। बहुत कम समय तक इसने शासन किया था, लेकिन इसके समय में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जो इतिहास में काफी प्रचलित है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रतन सिंह से संबंधित जो मैंने आपके भी आज के वीडियो में बताए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो हमारे प्रमुख योद्धा है राजपूत मेवाड़ राजपूत शासक मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित, उसके बारे में हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। काफी लंबा 15 मिनट का वीडियो भी हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट राजपूत शासक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉलेज प्लेनेट इंडिया। गुड लक एंड गुड बाय।